और मैं अपने मोहसिन और अपने कायद की उन अल्फाज उन जुमलों जुमले पे फख्र करता हूँ जो डूमोर और एयरपोर्टों से अपने इलाकों के आवाम को टारगेट करना, जिसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहकर 3.5 साल फाटा में अमन रहा है। लिहाजा हम इस अमरीकी नवाज़ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यह आज़ाद रियासत है और इसमें अपने आवाम पे अमेरिका ड्रोन अटैक एक सवालिया निशान है। लिहाजा हम अपने कायद की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और कबाइली आवाम की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इंशाअल्लाह ड्रोन अटैक के खिलाफ इस्लामाबाद की रुख करेंगे। सारे कबाइल, सारे पाकिस्तानी, ये जुल्म है जिस तरह उन्होंने रजीम चेंज में अमरीकी इमा पे यहाँ पे रियासत को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, वो सिलसिला भी जारी है और ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान की सालमियत पे वार है, आज़ाद असियत पे वार है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाटा के तमाम एरिया में लोग एहतजाज पे बैठे हैं, सिर्फ इंतज़ार पार्लिमेंटेरियन का है। जैसी ही हम पहुँच जाते हैं इंशाअल्लाह उसके साथ बैठ के हम फैसला करेंगे कि कब हमने निकलना है। दूसरी बात, मैंने तो अपने बातों में भी वजाहत की कि मीडिया आवाम के नुमाइंदे ये भी होते हैं, इनका काम भी इंफॉर्मेशन होता है, आवाम को देना होता है। लिहाजा इस पे पाबंदी बिल्कुल सरासर ज्यादती है, हम इसकी पर जोर मजम्मत करते हैं और इनको आज़ादी देनी चाहिए जहाँ पे अवामी नुमाइंदे हो, जहाँ पे पार्लियामेंट हो, जहाँ पे अवामी बातें हो, बिजनेस हो, वहाँ पे मीडिया वाला उनका इंटरव्यू, उनका बयान रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है।